फ्रेंड्स फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल के दिन हमारे गेम में एक इवेंट आया हुआ था मिस्ट्री मैडनेस के नाम से। इस इवेंट में क्या होता है ना कि आप सभी को यहाँ पे 3 बंडल देखने को मिल जाएगा, वो भी अपने फेवरेट बंडल के अनुसार। जो भी आप सभी को बंडल पसंद है वो बंडल आप लोग इस इवेंट से निकाल सकती है। आखिर ये कैसे हो सकता है तो वही मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला है। मुझे पता है ज़्यादातर बंदे को ये सेकेंड वाला जो बंडल है येलो बंडल, उसका जो नाम है नया दिया हुआ है फ्लेयरिंग ही बॉर्ग बंडल, ये बंडल आप सभी को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा होगा। क्या इस बंडल को आप लोग इस इवेंट से निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि इस बंडल को मिस्ट्री मैडनेस इवेंट से कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड जो मिस्ट्री मैडनेस है ना, यहाँ पर आप लोग ये बंडल आप लोग कभी भी नहीं निकाल पा रहे होंगे, ये आप सभी को बंडल नहीं निकाल रहा होगा। बाकी बात आप सभी को किस तरह निकालना है वही मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ना पूरा कंप्लीट वॉच करना, मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताऊँ। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार दिख रही है, वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नहीं हो ना तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप सभी को मिस्ट्री मैडनेस वाले इवेंट में आज जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर एंटर करोगे ना तो आप सभी को बहुत सारे बंडल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप सभी को मेल का भी बंडल देखने को मिलेगा और फीमेल का भी बंडल देखने को मिल जाएगा। और सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ गेट अप टू 3 ऑफ दिस ग्रैंड प्राइस रेंडमली अपॉन यहाँ पे ड्रॉइंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बंडल्स दिया हुआ है मतलब ये आप सभी को 3 बंडल देखने को मिल जाएगा। बेसिकली मैं आप सभी को यहाँ पे अपना ओपिनियन बताऊँ, मुझे तो ये येलो वाला जो बहुत ही पर्सनली पसंद आया हुआ है। आप सभी को कौन सा बंडल पसंद है, कौन सा बंडल आप लोग निकालना चाहते हो, आपका फेवरेट बंडल कौन सा है, वो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना। मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो येलो वाला बंडल मुझे पसंद आया है, दूसरा यहाँ पे ब्लैक जेंटल बंडल है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकती है जेंटल मैन बंडल, ये बेसिकली मुझे अपने पर्सनली के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आखिर इस बंडल को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे बता देता हूँ। ऊपर जो कट का ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी को कट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को प्लेन बहुत सारे दिख रहे हैं, 6 प्लेन्स आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सारे प्लेन्स में आप सभी को कोई भी रेंडमली एक टच कर देना है। मान लो यहाँ पे इसको मैं टच करता हूँ, बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं टच करता हूँ वो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं टच करता हूँ ना यहाँ पे कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद मुझे यहाँ पे कौन सा बंडल देखने को मिल रहा है आप लोग यहाँ पे लिटरली देख सकती है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, ठीक है, कैप्चर भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा बंडल देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो भी बंडल मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था कि मेरा कौन सा फेवरेट बंडल है, सेम टू सेम मुझे मिल चुका है, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकती हो ये येलो वाला बंडल मैंने आप सभी को बताया था, ये ब्लैक जेंटल मैन वाला बंडल बताया था। ठीक है, और यहाँ पे एक जो फीमेल बंडल मिल गया जो कि मैंने आप सभी को ये चीज नहीं बताया था। ठीक है, दो बंडल का जिक्र किया था, दो बंडल फाइनली मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को ये बंडल कैसे मिलने वाला तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दी, यहाँ पे कुछ आप सभी को मिशन दिया जाएगा जो कि डेली मिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला क्लेम कर लेता हूँ। लिटरली आप लोग देख सकते हैं मुझे एक ही मिल चुका है। ये जो सारा बंडल है वो कितने की एक्सचेंज करने पर मिलेगा तो मैं आप सभी को रिवार्ड्स वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे 38 की जैसे आपके पास हो जाता है तो ये आप लोग येलो वाला बंडल यहाँ पे एक्सचेंज कर सकती है। ये व्हाइट वाला बंडल लेने के लिए जो फीमेल का वो 34 है, यहाँ पे जो 34 यहाँ पे की है, और यहाँ पे 24 की जैसे हो जाता है आपके पास ये ब्लैक जेंटलमैन बंडल ले सकती हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बता दिया कि कैसे आप लोग रिवार्ड्स को ले सकती है और कैसे अपने फेवरेट बंडल के अनुसार ले सकते हो। ठीक है, यदि आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और यदि आपने भी तो किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।